अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज आरजे फारूक। आपको आपके अपने चैनल स्किल फॉर सक्सेस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं विदाउट वेबसाइट। वेबसाइट के थ्रू अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इसका, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। इसके अलावा फ्री सोर्सेज काफी हैं जिसको आप सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रमोट करके अपने प्रोडक्ट्स के सेल्स हासिल कर सकते हैं और कमीशन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आर्टिकल बेस पे आप किस तरह एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, जिसके लिए आपको आपकी पर्सनल जो वेबसाइट डोमेन होस्टिंग की भी जरूरत नहीं होगी और एक आर्टिकल आपको अप टू $1000 तक भी देके जा सकता है। तो डिपेंड करता है आपके एफर्ट के ऊपर। तो आज की वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पर अगर आप न्यू है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमारे सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, साथ में लगे घंटी के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हमारे स्किल फॉर सक्सेस ग्रुप है, अगर आपने इसको भी ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद आपको ये पिन पोस्ट में ये डॉग फाइल में मिलेगी या अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये डॉग फाइल मिलेगी। इसमें अब तक हमारे जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं सबके लिंक्स यहाँ पे मौजूद है, आप वन क्लिक पर कोई भी वीडियो वॉच करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने क्लिकबैंक अकाउंट की तरफ। ये सिंपल मेरा एक एक्स्ट्रा अकाउंट है जो कि मैं पब्लिकली शो करता हूँ, लेकिन इसमें मैं वर्किंग नहीं करता, वर्किंग के लिए मेरा और है। तो आप क्लिकबैंक को भी यूज कर सकते हैं, और भी काफी प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप सीबीए कर रहे हैं तो आप उनके प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें मैक्स बाउंटी है, एफिलिएट एड्स है और काफी ज्यादा और नेटवर्क्स हैं जिन पे आप काम करके तो अपना कमीशन जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लिकबैंक पे लेके चलता हूँ। क्लिकबैंक में आपको मैं जो प्रोडक्ट्स बताऊंगा वो मैं आपको एक हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, आप कोई भी प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे साइड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे हेल्थ में आ जाता हूँ। हेल्थ कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पे डाइट एंड वेट लॉस, मैं इस कैटेगरी में आ जाता हूँ। इस कैटेगरी में मैंने एक प्रोडक्ट मैंने देखी थी जिसको मैं प्रमोट करने वाला था, जीएस एंड्रेला सॉल्यूशन है। अगर आपकी एक सेल होती है तो आपको 41.39 जो डॉलर है वो मिल जाएंगे अगर आप इस पे काम करते हैं तो। तो ये आगे तो इसका मैं पहले ये एफिलिएट पेज जो है ये विजिट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा प्रमोट करने के लिए। अगर आप ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं तो ईमेल के टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, ईमेल स्वाइप्स जिसको बोलते हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ से। जिस तरह मैं अभी ये ईमेल स्वाइप्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ईमेल स्वाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 स्वाइप्स हैं। यहाँ पे अगर मैं इनको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ईमेल के ये टेम्पलेट मिल जाएंगे जिनको आप ईमेल के जरिए प्रमोट कर सकते हैं और अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करके अपना कमीशन जनरेट कर सकते हैं। तो ये आ गया। इसके अलावा ये ऊपर आ जाए ये एड कॉपी, अगर आप फेसबुक के एड वगैरह रन करना चाहते हैं तो आप ये एड कॉपी लगा सकते हैं, ये फेसबुक इमेजेस वगैरह ये लगा सकते हैं। यहाँ से आपको काफी कुछ कंटेंट मिल जाता है प्रमोट करने के लिए, सोशल प्रमोशन के लिए। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको आर्टिकल का बताने जा रहा हूँ कि आपने आर्टिकल अगर आप खुद लिखना चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं। इस तरह के इसका नाम था सिंड्रेला, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ सिंड्रेला सॉल्यूशन, मैं रिव्यू लिख देता हूँ तो हमें काफी ज्यादा आर्टिकल मिल जाएंगे दूसरों के जो कि लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह ये फर्स्ट पे हमें मिल रहा है, अगर मैं ये चेक करता हूँ तो इसमें भी 2-3 में चेक कर लेता हूँ जिसमें लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं ये आपके सामने है। इन्होंने सिंपल रिव्यू दिया हुआ, रिव्यू के एंड पे इन्होंने अपना लिंक दिया होगा, लिंक के थ्रू जिस तरह ये है, लिंक के थ्रू जैसे कोई लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो उसका जो एफिलिएट लिंक है अपना क्लिक बैंक का उस पर मूव कर जाएगा। जैसे कोई कस्टमर इसको परचेज करता है तो उसका जो कमीशन है जिसके ने आर्टिकल ये लिखा हुआ जिसकी वेबसाइट है उसको मिल जाएगा। और ये एडसेंस से काफी हद तक काफी ज्यादा जो है इसे आप अर्निंग कर सकते हैं अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग पे काम करते हैं तो। तो अब देखें, इन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, वेबसाइट बनाने में टाइम भी काफी लगेगा, उसमें आर्टिकल डेली बेस पे पब्लिश करने होंगे और उस पर ट्रैफिक लानी होगी, एसईओ करनी होगी, सब कुछ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिसमें आपके ऑलमोस्ट 3 to 6 month तो आपको लग ही जाएंगे। तो इससे इससे हटके अगर आप किसी और की वेबसाइट पे काम करना चाहें, जिस तरह मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ, एक है मीडियम, medium.com है, मैं इस पे अगर आपको ले चलता हूँ तो यहाँ पे भी ये किसी एक बंदे की वेबसाइट नहीं है। आप कोई भी अपना अकाउंट यहाँ पे बना के तो इसको अपने आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश कर सकता है और ट्रैफिक ले सकता है। तो ये जिस तरह अभी ये देखने के जिस तरह ये 6 habits of super learners, अगर आप यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ
वेट लॉस में सर्च करता हूँ तो वेट लॉस से रिलेटेड जो भी यहाँ पे हैं अपने आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। नंबर एक पे तो ये साइट है, नंबर दो पे जो मैं आपको साइट बताने जा रहा हूँ आपने उसको फोकस करना है ज्यादा, वहां पे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ये आर्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पे दूसरे लोगों ने पोस्ट किए हैं, मेरे वेबसाइट के जो ओनर है उन्होंने पोस्ट नहीं किए हुए। मैं आपको लेके चलता हूँ BORED boredpanda.com। आपने ये वाली साइट पे आ जाना, ये वाली साइट पे आके आपने सिंपली अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के लिए मैं तो पहले आपको अच्छा मैं जब भी अकाउंट बनाता हूँ ना अपने वीडियोस में तो मैं टेम्प मेल्स ही यूज करता हूँ। इसलिए यूज करता हूँ कि मैं अपने पर्सनल ईमेल यूज नहीं करना चाहता यहाँ पे लाइव पे। तो आपने जब भी अपना अकाउंट बनाना है तो आपने अपना पर्सनल ही अकाउंट बनाना है, पर्सनल ईमेल पे अकाउंट बनाना है। आपने टेम्परेरी ईमेल्स यूज नहीं करनी, जिस तरह मैं अभी ये टेम्परेरी ईमेल यूज कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने ये ईमेल कॉपी कर ली है। मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर करना है यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करूंगा साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। ईमेल में यहाँ पे ये वाला लिख देता हूँ, कोई भी अपना नाम में लिखना चाहूँ तो अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, और पासवर्ड मैं लिखना चाहूँ तो कोई भी लिख सकता हूँ। ये पासवर्ड मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा अकाउंट यहाँ से बन जाएगा। गेट आवर टॉप स्टोरीज इन, अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा अगर आप टॉप स्टोरीज अगर वो अपना ईमेल के थ्रू रिसीव करना चाहते हैं तो आप इस पर ग्रेड पर क्लिक कर दें या नेवर पर करेंगे तो आपको नहीं है कि मैं ग्रेड पर क्लिक कर देता हूँ, और ये आपने सिंपली कर देना है। अभी आपको ये लिंक यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, लिंक मुझे रिसीव हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करके तो अपना अकाउंट एक्टिवेट करता हूँ, क्लिक हियर पे क्लिक करके अपना अकाउंट मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। ये मेरा अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है तो मैं क्या करूंगा अब सिंपल दोबारा लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये आगे मैंने यहाँ पे इसको अपना ईमेल लगाया और पासवर्ड लगाया जो मैंने अभी रजिस्टर किया था वही वाला ईमेल लगाया, तो आपके सामने ये साइट्स आ जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, आप मैंने आपको जिस वेट लॉस का बताया है आप किसी भी और प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं उसके रिव्यू बेस पे आर्टिकल लेके। इस तरह मैं भी यहाँ पे वेट लॉस सर्च करता हूँ सिंपल, तो यहाँ से वेट लॉस से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। जिस तरह ये उस पर कैट आ रही है, इसके बाद ये फीमेल आ रही है, ये वेट लॉस से आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपने आर्टिकल खुद लिखना है या किसी से लिखवा लें, 1000 से 2000 3000 वर्ड्स तक लिखवा लें। 0.70 PKR में 1 वर्ड के हिसाब से जो है ना नॉर्मल आर्टिकल मिल जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने ये आर्टिकल ये वाला लिखा हुआ है, इसका टाइटल मैंने ये वाला दिया है वो यू कैन लॉस 80 pounds in just 40 days। तो मैं ये क्या करूंगा, तो सबसे पहले मुझे इमेज भी चाहिए जो इस पे लगाने के लिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे पहले सर्च करता हूँ इन्वर्टेड कुमा में सर्च करता हूँ वेट लॉस JOURNEY। दोबारा इन्वर्टेड कैमरा ऑफ कर देता हूँ, दोबारा इन्वर्टेड कैमरा ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ instagram.com। मैं इसको सिंपल सर्च करूंगा तो यहाँ पे मैंने इसलिए सर्च किया है कि जो इमेजेस है ना वेट लॉस के रिलेटेड वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पे उनकी इमेजेस आपको मिल जाएंगे, आप उनको यूज कर सकते हैं। जिस तरह का मैं अभी यहाँ पे लेता हूँ फर्ज किया मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा यहाँ पे, या आप ले ये ले लें या मैं ये दे लेता हूँ, उसके ऊपर कोई लोगो वगैरह इमेज नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है पर्सनल। तो मैं इसको ओपन इमेज न्यू टैब करता हूँ और इसको अपने पास सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, इसमें मैं लिख लेता हूँ वेट, जो आपका टाइटल है ना आपने वही यहाँ पे लिखना है। जिस तरह के मैं ये कर देता हूँ, ये कॉपी किया, कॉपी करके उसे गलती से एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक हो गया, ये अभी क्लोज करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये यहाँ पे सॉरी इसको मैंने रीनेम किया है, जो मेरे पोस्ट का टाइटल था वो मैंने इसका जो है इमेज का नाम रख दिया है। इमेज का नाम रखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ और ऐड पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं ब्राउज फाइल पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया। मैंने ये इमेज यहाँ पे जो की थी वो इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे पोस्ट टाइटल आपने देना है, पोस्ट टाइटल पे मैं सिंपल इसको मैं भी ऊपर करता हूँ, जो मेरा है टाइटल ये मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके सिंपल पोस्ट टाइटल आ गया टेल अस योर स्टोरी है। तो यहाँ पे मेरा जो सारा जो है मैं सारा कॉपी कर लूंगा, जो भी मेरा ये आर्टिकल लिखा हुआ है सारा कॉपी करके स्टोरी की जगह पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आता हूँ, ये स्टोरी पे मैंने ये पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मेरा ये सारा आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है।
आपने ना ये ग्रामरली जो एक्सटेंशन है ये लाजमी कर लेनी, इससे आपके जो भी जो मिस्टेक्स वगैरह होंगी ये इनको आप बता देगा कौन सी गलती आपने की हुई, तो वो इजीली आप यहाँ से ठीक कर लेंगे। ये अपना आपने आर्टिकल यहाँ पे सारा लिख लिया है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली मैं जाता हूँ अपने यही अपना सिंड्रेला में, इसके प्रमोट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो हमारा लिंक है इसका जनरेट होप लिंक पे क्लिक करता हूँ। ये जो हमारा होप लिंक जनरेट हो गया, मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं सिंपल यहाँ पे आकर तो ऐड लिंक पे इसको पेस्ट कर दूंगा। कैटेगरी में आपने आ जाना है, यहाँ पे कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से जो है ये प्रोडक्ट लोगों से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पे उनको सर्च कर लेना। यहाँ पे हमें वेट लॉस वगैरह की कैटेगरी नहीं मिलेगी, ब्लॉग की या पीपल्स वगैरह की जो मिलेगी हमें उसको सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह ये पीपल आ गया, मैं पीपल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पोस्ट टैग आप देना चाहें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट लॉस, आगे लिखना है वेट लॉस, और इसके अलावा मैं लिख देता हूँ वेट लॉस जर्नी, ये लिख देता हूँ। जो भी रिलेटेड आपके टैग्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। इमेज टाइटल था जो हमने देना था, तो वो हम यहाँ पे जो इसका पोस्ट टाइटल था वही इमेज टाइटल दे देंगे। ये आ गया इमेज टाइटल। अगर आप कोई अपना अलग इमेज ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने ये पोस्ट किया जब आर्टिकल लिखा था, इसमें मैंने हर कैटेगरी के साथ उसकी इमेज वगैरह लगाई हुई थी, तो जो भी आपने इमेज ऐड करनी है वो आपको मैनुअल वहां पे ऐड करना पड़ेगी। यहाँ पे आपको मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। मैं जिस तरह अभी ये कर रहा हूँ, यहाँ पे करने के बाद मैं सिंपली, अगर आपको वीडियो ऐड करना चाहें, अगर आपने फर्ज किया कि आपने यूट्यूब की वीडियो भी बनाई हुई है इससे रिलेटेड, तो आप ऐड वीडियो पे आकर अपना यूट्यूब का लिंक लगाएंगे तो आपकी वीडियो भी इस आर्टिकल में ही ऐड हो जाएगी। करने के बाद आपने सिंपल इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर पोस्ट हैज बीन सबमिटेड एंड इज पेंडिंग अप्रूवल बाय योर टीम ऑफ हाईली ट्रेंड पांडास, कि आपकी जो पोस्ट है वो सबमिट हो गई है और अभी ये पेंडिंग में है, तो जैसे वो इसको अप्रूव करेंगे तो आपको उसका आपकी पोस्ट अप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि वेबसाइट पे ट्रैफिक चेक करने के लिए कि इस पर ट्रैफिक कितनी आ रही है, तो वो उसके लिए आप एक्सटेंशन एक यूज कर सकते हैं। या मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मेरे पास एक्सटेंशन है ग्लोबल रैंक वाली, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आपको सिमिलर वेब पे है, इससे आपको शो आइडिया हो जाएगा कि कितनी ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है। इसके देखें मंथली विजिट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, दिसंबर 2019 में 28.79 मिलियन इसके विजिट्स थे और जनवरी में 29.72। इसी तरह देखें ये मई 2020 में 32.23 मिलियन इसके विजिट थे, और इसके जो ज्यादा ट्रैफिक है वो आपके सामने यूनाइटेड स्टेट से ही है। तो जो हमारे जो ट्रैफिक है वो ज्यादा हमें चाहिए भी, यूनाइटेड स्टेट के चाहिए। यहाँ पे आपको नजर भी आ जाएगी यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रही है, तो इनसे ट्रैफिक ऑलरेडी साइट्स पे आ रही होती हैं। तो बजाय इसका कि आप अपनी साइट को बनाएं, वहां पे आर्टिकल पब्लिश करें और जल्दी उनको रैंक करवाने में भी मुश्किल होगी, उस पर काफी ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, टाइम भी और पैसा भी उसको रैंक करवाने के लिए, तो अपनी अपनी पर्सनल साइट को छोड़ के अगर आप यहाँ पे अगर पोस्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ से रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप एक आर्टिकल खुलवाते हैं, एक आर्टिकल आपको 1000 से 2000 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप कहीं बाहर आर्टिकल राइटर से लिखवाते हैं, अगर आप खुद लिखना चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं। तो अगर आप 1000 2000 इन्वेस्ट कर लेते हैं, अगर आपको एक सेल भी आ जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक सेल भी आ जाती है, जिस तरह ये $41 की थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $41 to PKR, जस्ट एक सेल भी आ जाए तो आपको 6713 रुपए पाकिस्तानी है वो दे जाएगी। तो इसलिए अगर आप इसको फोकस करते हैं, इस पे काम करते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ठीक तरीके से समझ भी आ गई होगी। अगर वीडियो समझ ना आई हो तो आप यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको विद इन 2 मिनट उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें या साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।